100। ये छोटे छोटे जो फीचर्स है ना, वो इसको बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और फ्यूचरिस्टिक बनाती है। देख लो यहाँ पे फोम की जो क्वालिटी है ना, वो मुझे थोड़ी सी मतलब बहुत ही ज्यादा बेकार लग रही है। Hi guys and welcome to Moto Nation and today we have got the Ola H1 Pro Generation 2 and आज की वीडियो में we will gonna talk about the all the changes that has been made to this scooter from the older generation and at last I'll give you a verdict, should you buy it or not, because this scooter will cost you around 1.75 lakh rupees on road. So let's start with the video. I swear to God they'll let me down. I drop the spot just to wear the crown. Off at these fucking clowns who grew up taught they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. Hi guys, I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. सो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो देखो, देखने में तो आपको सिमिलर पहले की तरह ही दिखती है, बट इसमें जो मेजर चेंजेस किए गए ना, यहाँ पे आपको फ्रंट में ट्विन टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाती है। पहले वाली सिंगल फॉर्क आती थी जो कि टूट जाती थी, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा भी होगा। एंड फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाती है यहाँ पे। इसमें आपको इस बार रियर में भी डिस्क दी गई है जो कि बहुत ही अच्छी, मतलब ब्रेकिंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो गई। यहाँ पे आपको देखो जेन 2 लिखी हुई भी मिल जाती है सस्पेंशन। पीछे आपको इसमें फ्रंट में सिंगल सस्पेंशन नहीं मिलता है, बट यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अब आपको बॉक्स टाइप स्विंग आर्म मिल जाता है जो कि पहले सिंगल साइड डुकाटी की तरह आता था, बट नाउ यू गेट द बॉक्स टाइप स्विंग आर्म जो कि बहुत ही अच्छी फीडबैक आपको देती है। एंड देन आप एक और चेंजेस आप पे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहले एक बड़ा सा हम्प आता था इसके साथ में कनेक्ट होकर के, बट नाउ आप यहाँ पे मतलब कोई भी सामान वगैरह ले जाने में ना पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, बट आप आराम से यहाँ पे कोई भी सामान लेके जा सकते हो जो कि बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पे मतलब आपके लिए बहुत ही अच्छा हो गया अगर आप इसको कुछ सामान वगैरह ले जाने के लिए यूज़ में करने वाले हो। एंड पीछे आपको ये देखो, आपको ग्रैब हैंडल बार आप पहले बहुत ही मतलब छोटा सा इसमें सीट से अटैच होके आता था, बट नाउ यू गेट अ बिगर ग्रैब हैंडल बार ओवर हियर। एंड देन एक जो चेंजेस मुझे यहाँ पे जो कि बहुत ही अच्छे और नोटिसेबल है ना, यहाँ पे ये देखो आप, ये जो है ना आपको इंडिकेटर्स एंड पीछे की भी जो LED है ना लाइट, वो आपको स्मोक ब्लैक में मिल जाती है जो कि मतलब थोड़ी सी प्रीमियम लगती है देखने में, आप देख सकते हो ये। एंड देन यू गेट द ओला H1 Pro बैजिंग ओवर हियर जो कि यहाँ से आप बैटरी चार्ज कर सकते हो। आप देख लो यहाँ पे फोम की जो क्वालिटी है ना, वो मुझे थोड़ी सी मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रही है। यहाँ पे इससे बेटर रबर यूज़ किया होता इन्होंने तो वो ज़्यादा बेटर रहता। एंड देन चेक करो आप ये, यहाँ पे अब आपको जो है ना बेल्ट जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो बेल्ट आपको बाहर की तरह एक्सटेंड करके मिल जाती है जो कि दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। बस इसकी जो क्वालिटी है ना, वो थोड़ी और बेटर हो सकती थी। एंड फिर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इसमें आपको वाटर प्रूफ यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाते हैं सेम पहले की तरह, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोटर जो कि इसमें सबसे मेजर चेंज जो है ना, इसमें आपको मोटर अब न्यू वाली मिल जाती है जो कि 11 kW की इसमें आपको अब मोटर मिल जाती है एंड 4 kW कि आपको इसमें बैटरी मिल जाती है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। बैटरी की साइज़ जो है थोड़ी सी इंप्रूव हुई है और रेंज जो है ना ओला 195 के अराउंड क्लेम करती है इको मोड पे, बट ये आपको ओवरऑल जो है ना 140-145 के अराउंड ओवरऑल आपको ये दे देती है, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ मतलब समझ रहे हो आप, पेट्रोल के पैसे आपके बहुत ही ज़्यादा बचने वाले हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो सीटिंग की कैपेसिटी है ना, मैं आपको एक चीज़ शो करता हूँ, देखो तो पहले से ना मतलब पहले वाली जो थी ना स्क्रीन जो थी बहुत ज़्यादा लैग करती थी, बट अब ये चेकआउट करो ये खुल गया, तो यहाँ पे मैं जैसे देख पा रहा हूँ पहले से ना थोड़ी सी जो है ना डिज़ाइन चेंज की गई है। इसमें पहले फुल फेस हेलमेट जो है ना उल्टा करके आ जाता था, बट अब वो भी नहीं आ पा रहा है, तो वो एक यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को मतलब लगता है कि यहाँ पे कंपनी को ना थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि फ़िट एंड फिनिश की जो क्वालिटी है ना, वो मुझे थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड अभी भी लग रही है। जैसा कि आप चेक कर सकते हो, देखो जैसा मैं दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो है ना आपको इसमें अभी देखने को मिलने वाली, वो आने वाले जनरेशन में हो सकता है बेटर हो जाए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है गैपिंग बहुत ही कम है, बट हियर इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे गैपिंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा है, जबकि एक मतलब मुश्किल से इस स्कूटर को 20 दिन हो रहे हैं, 20 दिन भी नहीं 2 वीक्स हो रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी गैपिंग, देखो आप गैपिंग जो है ना बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये रबर वाली जो आती है लेयरिंग, वो अगर यूज़ किया होता इन्होंने तो मतलब क्वालिटी थोड़ी सी और इन्हेंस हो जाती,
तो वो एक चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। थोड़े बहुत जो आपको है ना इसमें कॉम्प्लिकेशंस आपको फिट एंड फिनिश में आपको दिखने वाली है, तो वो एक चीज़ है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स कि इसमें यहाँ पे देखो स्क्रीन जो है आपको सेम पहले की तरह ही मिल जाती है, बट यहाँ पे जो क्वालिटी है ना थोड़ी सी पहले से इम्प्रूव हो गई है। ग्लिच वगैरह थोड़े से आपको इसको इसमें कम देखने को मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हो जैसे अनलॉक हो गई, जैसे अभी ये पार्क मोड में जैसे ही आप स्टैंड ऊपर करोगे। एंड ये यहाँ पे देखो टॉगल स्विचेज जो है ना सेम आपको पहले की तरह ही मिलती है। ये आपकी पावर बटन है, इससे आप लॉक अनलॉक के लिए यूज़ कर सकते हो पासवर्ड डालने के लिए। एंड देन हेयर इज़ द मोड सेलेक्टर बटन। एंड देन यहाँ पे आपको मिल जाती है देखो ये म्यूज़िक कंट्रोल्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको हॉर्न के लिए मिल जाते हैं, ये इंडिकेटर्स के लिए हैं यहाँ पे। एंड देन वी हैव द हाई बीम लो बीम स्विच ओवर हियर। एंड यहाँ पे आपको रिवर्स और क्रूज़ कंट्रोल के लिए यहाँ पे ये टॉगल स्विच आपको मिल जाती है। मतलब फिट एंड फिनिश की क्वालिटी अगर देखा जाए ना तो फ्रंट में आपको जो मतलब इसका डैश कह सकते हो आप वो अच्छा है, कॉकपिट इसका अच्छा है, तो उसकी फिट एंड फिनिश में आपको कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। सो द बेस्ट थिंग इज़ मतलब जैसा कि आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे ना बहुत ही तेज़ धूप हो रखी है, एंड फिर भी ये जो स्क्रीन है ना मतलब काफ़ी विजिबल है यार, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन आपको यहाँ पे मिल जाती है। और जैसे ही आप इसको स्वाइप अप करते हो तो आप देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी डार्क मोड ऑन करने मतलब डार्क स्क्रीन हो जाएगी, मूड साउंड मतलब ये जो साउंड आपकी आवाज़ करती है ना ये देखो आप, इंडिकेटर्स वगैरह ऑन करने पे तो वो ऑफ हो जाती है, सेफ्टी लाइट्स देखो जैसे ये ऑन हो गई, तो आप चेकआउट कर सकते हो। इसकी जो है ना हैजर्ड फ्लैशर जो है इसकी ऑन हो चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पे हैजर्ड लाइट जो है ऑन हो गई है, तो ये मतलब काफ़ी कूल लगती है। छोटे छोटे जो फीचर्स हैं ना वो इसको बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और फ्यूचरिस्टिक बनाती है। एंड देन वी विल गो टू द ऑल सेटिंग्स, देन यहाँ पे मुझे आपको दिखाने के लिए बहुत ही अच्छी फीचर्स है राइडिंग में, यहाँ से चलते हैं हम। तो यहाँ पे देखो आप रीजेनरेटिव ब्रेकिंग आपको लिखी हुई दिख रही होगी, तो ये क्या है ना कि अगर आप मतलब जैसे कि देखो ये आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने, जैसे आपकी रेंज थोड़ी कम है ठीक है हो रखी है, तो आपको ब्रेक्स नहीं अप्लाई करना है जब भी आपको गाड़ी रोकनी है ना, तो आपको इसको रिवर्स की तरफ ऐसे करना है, जिससे होता क्या है कि मतलब जो फ्रिक्शन की वजह से ना आपकी ये बैटरी को चार्ज करती है, मतलब ये समझ सकते हो आप कितनी अच्छी फीचर आपको इसमें ये मिल जाती है। यहाँ पे नेविगेशन वगैरह के लिए आपको मतलब जैसे देख सकते हो मैप माई इंडिया ओला मैप्स भी आपको यहाँ पे है जो कि बीटा में दिखा रही है, मतलब वो अभी पूरी तरह से सर्टिफाइड नहीं है, बट यहाँ पे मैप इंडिया जो है ना माई मैप इंडिया तो ये एक आपको अच्छी यहाँ पे मिल जाती है जो कि मतलब आपको ठीक ठाक लोकेशन आपको ये दे देती है। लेट्स गो टू द बेसिक्स, होम पे चलते हैं, तो लेट्स राइड इट। सो राइट नाउ इट्स इन द नॉर्मल मोड, एंड लेट मी टेल यू कि इस स्कूटर में आपको 14.95 bhp की मैक्सिमम पावर आउटपुट मिल जाती है एंड 58 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क। सोच रहे हो आप 400 cc मोटरसाइकिल्स तक में आपको 58 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क नहीं मिलती है। सो फर्स्टली लेट मी टेक अ यू टर्न फर्स्ट एंड देन वी विल हैव इट इन द फास्टेस्ट मोड विच इज़ द हाइपर मोड। सो रुकते हैं यहाँ पे एंड अब इसको स्विच करते हैं हाइपर मोड पे। सो इट्स अ स्पोर्ट एंड देन वी विल हैव द हाइपर। सो अब हाइपर मोड में लग चुकी है, तो अब देखते हैं क्या इसकी परफॉर्मेंस रहने वाली है। ओ भाई साहब, मतलब जैसे ही आप एक्सेलेटर पुल करते हो ना आपको ये पूरी तरीके से पीछे की ओर धकेल देती है, तो मतलब क्या यार क्या भाग रही है, वाव पहले से बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ पे 100। ओ भाई साहब बहुत ही फास्ट ये 100 क्लॉक कर रही है, तो वो एक अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे पावर आउटपुट है ना बहुत तगड़ी मिलने वाली है, मतलब क्या फीलिंग है यार। अरे यार मतलब थ्रिल तो है भाई यहाँ पे, आपको थ्रिल आपको एकदम प्रॉपर थ्रिल आपको देखने को मिल जाती है। एंड मैं एक चीज़ चेक कर पा रहा हूँ तो इसकी जो एजिबिलिटी है ना वो पहले से बहुत ही ज़्यादा बेटर हो गई है, लाइक लीनिंग एंगल वगैरह सब कुछ बेटर हो गया है यार, मतलब ये एक बहुत ही अच्छी साइन है। मतलब पहले जो है ना इसकी सस्पेंसर वगैरह की फीडबैक बहुत ही बेकार थी, आवाज़ आती थी, अब अगर उसको भगाते भी ना रोड पे छोटे मोटे बम्प भी अगर आते थे ना तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मूड ख़राब कर देती थी यार। मतलब अब जो फीलिंग आ रही है ना दिस इज़ टॉप नॉच। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं, क्या फीडबैक है यार, पहले वाली तो पूरी की पूरी आवाज़ करती थी यहाँ पे, लेकिन इसमें जो क्वालिटी है ना बहुत ही ज़्यादा बेटर कर दी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें और भी ज़्यादा अपडेट्स वगैरह आने वाले हैं और थोड़ी बहुत जो फ्लॉज है ना वो कंपनी यहाँ पे पूरी की पूरी आपको क्लियर करके आपको देने वाली है। मतलब बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट की हो सकती है, बस जो थोड़ी बहुत जो फ्लॉज है ना वो अगर और भी ज़्यादा बेटर हो जाती है तो।
मतलब फिर भी अगर आप इसको सेगमेंट से कंपेयर करके देखोगे ना तो इट्स अ परफेक्ट चॉइस। अगर इलेक्ट्रिक में आपको चाहिए तो ओला ही लो आप, मतलब क्योंकि इसमें आपको रेंज भी अच्छी मिल जाती है, पावर आउटपुट तो आप देख ही सकते हो यार, मतलब क्या। और लीनिंग एंगल चेक करो आप, ये वाव, लीनिंग एंगल भी बहुत ही ज़्यादा बेटर हो चुकी है। तो मुझे यहाँ इससे जो फीडबैक है ना राइडेबिलिटी का, वो बहुत ही बेटर मिल रहा है। 110 सेक्शन का टायर आपको फ्रंट एंड रियर में दोनों में मिल जाता है। तो ओवरऑल जो अगर देखा जाए ना तो एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है अगर इलेक्ट्रिक में देखा जाए। पहले तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई थी, बट अब मैं जब इसको सेकेंड जनरेशन चला रहा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बेटर लग रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ओला इसको और भी ज़्यादा बेटर करने वाली है। सो इट्स अ बिग थम्स अप टू द ओला फॉर मेकिंग अ मशीन लाइक दिस। आने वाले जनरेशन में ये और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसकी जो मतलब क्वालिटी जो है ना मुझे पहले से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव लगी, और इसकी पावर आउटपुट भी मुझे पहले से बेटर लग रही है। तो वो एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। सो आई वुड से कि आप लोग अगर इलेक्ट्रिक लेने जा रहे हो ना तो आप लोग ओला ले सकते हो आंख बंद करके, क्योंकि मतलब क्वालिटी जो है ना कंपनी बहुत ही ज़्यादा बेटर करते जा रही है। और आने वाले टाइम में इसके अगर 2-3 जनरेशंस और अगर आएंगी ना तो ये एक परफेक्ट स्कूटर हो सकती है फॉर इंडियन रोड्स, क्योंकि इसमें मतलब पहले यार मतलब क्या ही बताऊँ मैं, पहले बहुत ही ज़्यादा फ्लॉज थी, इसकी सस्पेंशन बिल्कुल बेकार थी, बहुत ही आवाज़ आती थी उसमें, आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत बार वो टूट जाती थी। बट नाउ इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। सो आई वुड से You guys, of course you guys can buy it because at 1.75 lakh rupees, it's a very good product. अगर देखा जाए तो आपकी इसमें मेन चीज़ जो है ना आपके यहाँ पे सेविंग्स, पेट्रोल आपकी बचने वाले है यार, मतलब समझ रहे हो आप, पेट्रोल का खर्चा सबसे ज़्यादा होता है किसी भी व्हीकल को मेंटेन करने में, तो यहाँ पे आपकी वो पूरी की पूरी कॉस्ट कट हो जाती है। और इसमें तो आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, लाइक इसमें आपको एक फास्ट चार्जर मिल जाता है जो कि 30 मिनट्स में आपके स्कूटर को 50% तक चार्ज कर देती है, समझ रहे हो आप। ऐसे आपको इसको 3 घंटे में ये 50% तक चार्ज होती है, 6 घंटे 6.5 घंटे में ये फुल चार्ज होती है, तो आप देख सकते हो। सो इफ यू गाइस हैव लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, आई विल मीट यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ क्रेजी डे, पीस आउट।